इंसान और पतंग जब हवा में ज्यादा उड़ने लगे तो समझ लो ये कटने वाला है। जब से लोग बुजुर्गों की इज्जत कम करने लगे हैं तब से अपने दामन में दुआएं कम और दवाएं ज्यादा भरने लगे हैं। बहुत पते की बात बता रहा हूं, अगर आपको अकेले खड़े होने से डर लगता है तो फिर सही और हक रास्ता चुनने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि हक के रास्ते में अकेले ही खड़ा होना पड़ता है। बात समझ में आई? हम भी शरीफों की गिनती में आते हैं साहब, मगर कोई उंगली न करे तो आजकल इंसान को न कायदे पसंद है न वायदे पसंद है, उसको तो सिर्फ फायदे पसंद है। हमारी बहन डॉक्टर प्रियंका बर्फ का वो शरीफ टुकड़ा जाम में क्या गिरा, बदनाम सा हो गया। देता जब तक वो अपनी सफाई, खुद ब खुद शराब हो गया। मोहब्बत में औरत का बुरा वक्त तब शुरू होता है जब वो जज्बात में आकर मर्द से ये कह देती है कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। जिंदगी एक गिफ्ट है, कबूल कीजिए। जिंदगी एक एहसास है, महसूस कीजिए। जिंदगी एक दर्द है, बांट लीजिए। जिंदगी एक मिलन है, मुस्कुरा लीजिए। जिंदगी एक जुदाई है, सब्र कीजिए। जिंदगी एक आंसू है, पी लीजिए। जिंदगी आखिर जिंदगी है, जी लीजिए। हमारे समाज में सबसे अच्छा रिश्तेदार वो है जो मर चुका है। उम्मीदों का दामन थाम रहे हो तो हौसला भी कायम रखना, क्योंकि नाकामियां जब चरम पर होती है तब कामयाबी बेहद करीब होती है। बात समझ में आई? इंसान को थोड़ा मस्ती खोर भी होना चाहिए, क्योंकि सीरियस लोग तो हॉस्पिटल में मिलते हैं, और जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना ये समझ लो कि वो जबरदस्ती जिंदा है। कभी कभी तो लगता है कि औरत होना ही एक सजा है, कि न पढ़े तो अनपढ़ जाहिल, पढ़ लिख ले तो पढ़ाई का घमंड, शादी न करे तो बच्चलन नकचड़ी, शादी कर ले तो अबाया उठ पहाड़ के नीचे,
सबसे मिलकर रहे तो चालाक हो गई, मिलकर न रहे तो घमंडी हो गई। पढ़ लिख कर अगर घर संभाले बच्चे संभाले तो इतने साल पढ़कर क्या फायदा हुआ। कोई नौकरी कर ले तो देखो पर निकल गए, मिलने जुलने लगे तो चलता पुर्जा है, और न करे तो छोटी सोच वाली है। बड़ी लंबी लिस्ट है साहब, लेकिन हमारे लिए और पूरे समाज के लिए बड़ी शर्म की बात है कि एक औरत के लिए हमने कितने मापदंड और पैमाने बना रखे हैं। औरत की ताकत तो इतनी है कि उसे मकान दो तो घर बना देती है, उसे अनाज दो तो खाना बना देती है, प्यार दो तो जान लुटा देती है। इसलिए रिस्पेक्ट एवरी वुमन, हर औरत की इज्जत करना सीखिए। आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए मरना पड़ता है। कोई फलसफा नहीं इश्क का, जहां दिल झुके वहां सर झुका, वही हाथ जोड़ के बैठ जा, न सवाल कर न जवाब दे। मैंने जिंदगी को आसान बना लिया, कैसे? सोच को बड़ा कर दिया, जो साथ चलता रहा उसको रोका नहीं, और जो रुक गया उसको साथ चलने को नहीं कहा। शिकवे शिकायतें कम कर दी, जिसने हाथ बढ़ाया उसे थाम लिया, जिसने दामन छुड़ाया उसे खुदा हाफिज कहा, उससे वजह भी नहीं पूछी। लोगों से उम्मीदें लगाना छोड़ दी, मिलना जुलना कम कर दिया, ख्वाहिशें कम कर दी, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया, और इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर दिया। और आपने? सीने में धड़कता हुआ ये जो हिस्सा है, उसी का तो सारा ये किस्सा है।